हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंट्यूशन। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, ये कौन सा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो उनसे सुपरवाइज लर्निंग की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। ठीक है, हमने क्या किया था पिछली वीडियोस में, रिग्रेशन पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने मेरी रिग्रेशन वाली सीरीज नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा मशीन लर्निंग सीरीज का, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। अब किसकी बारी है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की, मतलब कि क्लासिफिकेशन लर्निंग की। ठीक है, इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन की जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मॉडल कौन सा है क्लासिफिकेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले मैं आपको पहले ना रिमाइंड करवा देता हूं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। जैसे कि आपको लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता था, एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला था, उसमें क्या था, बस हमारे पास मल्टीपल फीचर्स थे, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको याद आ गया होगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। इसके साथ मैं रिलेट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इजिली ग्रैब हो जाए, आपको इजिली समझ लग जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम पहले क्या करते थे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास डाटा सेट होता था, जैसे कि एक्सपीरियंस एंड सैलरी के बीच में हमारे पास डाटा सेट होता था, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, प्रेडिक्शन लाइन। ठीक है, बट ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसी हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो उनसे डाटा सेट होगा वो इस तरह नहीं होगा, मतलब जैसे कि आपके सामने दिख रहा है ना डाटा सेट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो डाटा सेट कुछ ऐसा होगा कैटेगरीज की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उसमें होगा कि या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए। ठीक है, इस तरह एक एग्जांपल होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें क्या होगा, या तो आपका जो सा आंसर होगा प्रेडिक्शन पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये वैसे आप कर सकते हो, जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन मैंने टॉस किया। ठीक है, कॉइन टॉस करने के बाद कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया। ठीक है, दो ही कंडीशंस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, यदि हेड आ रहा है मैं सपोज कर रहा हूं तब हम जीरो लगा रहे हैं, यदि टेल आ रहा है तो हम लगा रहे हैं वन। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल होगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। ठीक है, बट यदि मैं वहां पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाऊंगा, जैसे कि आपके सामने ये वाला डाटा सेट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास कोई डाटा सेट है, मतलब कि किसी कंपनी का डाटा है। ठीक है, उसमें ना हमारे पास ना एजेस गिवन है, यहाँ पर जो सी एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर एज गिवन है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि कितनी एज के पर्सन हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। जैसे कि हमें क्लियरली दिख रहा है जो टीनएजर्स हैं या फिर जो 25 ईयर से कम वाले लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोडक्ट में, मतलब कि बहुत कम है। जैसे कि आप देख सकते हो एक ही पर्सन है जो इंटरेस्टेड है। ठीक है, और आप देख सकते हो जो भी सीनियर सिटीजन हैं या फिर बड़े हैं, ठीक है, मतलब 25 से ऊपर है, मतलब कि जिनकी मैरिज वगैरह हो चुकी है, ठीक है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, हमने क्या करना, मशीन लर्निंग की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि कौन से पर्सन इंटरेस्टेड होंगे कौन से पर्सन नहीं होंगे। ये तो हमारे सामने बिल्कुल ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ था, इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हो सकता है हमारे पास बहुत सारा डाटा हो। ठीक है, तब तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, तब के लिए तो हमें मशीन लर्निंग मॉडल को तो ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं वहां पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ना। ठीक है, पर यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, ये आप देख सकते हो लाइन ड्रॉ हो रही है यहां से लेकर ऊपर तक। ठीक है, बट जो से ये वाले पॉइंट्स हैं इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से ये तो कवर हो ही नहीं रहे। ठीक है, और जो से ये प्रेडिक्शन लाइन है ये ज्यादा कवर तो कर ही नहीं पा रही। ठीक है, मतलब कि जो से हमारा कॉस्ट आएगी वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार आएगी। ठीक है, मतलब कि ये प्रेडिक्शन का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने मशीन लर्निंग मॉडल लगाया ही क्यों है। ठीक है, तब इंट्रोड्यूस होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ऐसा डाटा सेट था, हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाई थी। ठीक है, और हमारे पास जो सी प्रेडिक्शन थी वो आ गई थी, बट जो सी हमने चेक किया जो सी प्रेडिक्शन है वो ना सही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। ठीक है, कोई और चीज तो हो नहीं सकती, मतलब कि उसकी जो सी प्रोबेबिलिटी है वो वन से ना ज्यादा हो सकती है या ना ही कम हो सकती है। मतलब कि जो सा ये वाले पॉइंट्स हैं, जो सी आप देख सकते हो ना ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे करते हैं, इनको ना फ्लैटन कर देते हैं। फ्लैटन का क्या मतलब, ऐसा। ठीक है, जहां पर भी हमारे वन है यहां से हमें पता है आगे तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब इसके आगे क्या होगा, हमारा हमेशा वन होगा और इसके पीछे क्या होगा, हमेशा जीरो होगा।
ठीक है, बट अभी भी यार जो सी हमारी जो सी प्रिडिक्शन है वो अभी भी सही नहीं है। वो क्यों? बिकॉज जो से ये वाले प्रिडिक्शन वाली पॉइंट्स हैं ये अभी तक भी हम अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सा हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था ना, जैसे कि आप देखते हो ये वाला हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, और जो आप यहाँ पर राइट साइड पर देख पा रहे हो ना, ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसे देख लीजिए, आप देख सकते हो हमने क्या किया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन था हमारे पास पिछले, ठीक है, हमने क्या किया इसी मतलब कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब इस पर एक और फॉर्मूला लगा दिया ताकि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। वो वाला फॉर्मूला कौन सा है, सिग्मोइड का। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ किसके किसको क्या कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पी दिख रहा है ना, पी का मतलब है हमारा प्रेडिक्शन, पी का मतलब है प्रेडिक्शन। ठीक है, और यहाँ पर वाई क्या चीज है, वाई क्या थी जो हमने प्रेडिक्ट की थी, जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट की, ठीक है, उसके बाद जो भी वाई की वैल्यू आई थी हमने यहाँ पर पुट की, उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, प्रेडिक्शन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जब आप सिग्मोइड में कन्वर्ट करते हो ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, तब ना जो सा हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि जो से ये वाले पॉइंट्स हैं ये ज्यादा कवर हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं हो पा रहे थे, बट जो सा सिग्मोइड है, जैसे ही हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसे कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइड, आप देख सकते हो जो सा हमारा जो सा ग्राफ है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, ये थोड़ा एस टाइप का बन गया है। ठीक है, अब हम जो से प्रेडिक्शन है इजिली कर पाएंगे। ठीक है, इसकी वर्किंग मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ लग गया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ लगा तो एक बार रिवाइंड करके आप दोबारा देख लीजिए, आपको जरूर से समझ लग जाएगा। यदि नहीं पता लगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, चार पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, कहीं भी मैंने चार पॉइंट्स ले लिए, मतलब कि दो मैंने ले लिए पॉइंट जीरो के और दो पॉइंट ले लिए जहां पर हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, वन। ठीक है, और उसके बाद मैंने वहां पर लिख दिया कि किस मतलब किस नंबर पर वो आ रहा है, जैसे कि 20 पर है एक पॉइंट, एक 30 पर, एक 40 एंड 70। यहाँ पर आप एजिस मान सकते हो कि जो सर 20 इयर्स का पर्सन है, ठीक है, उसने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिया, 30 इयर्स वाले ने भी नहीं लिया, बट जो सर 40 इयर्स का था उसने हमारा प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, 70 वाले ने भी प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, तो हमने ऐसे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब ना क्या करेंगे, अब जो से ये वाले पॉइंट्स है ना आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ पर मतलब कि जो सी ये लाइन हमने ड्रॉ की है ना इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि जो ऊपर वाले पॉइंट थे वो हम यहां पर ले आए, जैसे कि जोनसा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सा ये वाला पॉइंट था ना ये इसके बिल्कुल नीचे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, जहां पर ये वाली प्रेडिक्शन लाइन है यहाँ पर आकर वो रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सा नीचे वाला पॉइंट है ये भी ऊपर आता रहेगा और जहां पर भी हमारी प्रेडिक्शन लाइन है वहां आकर रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी हमारे पास पॉइंट होंगे वो ऐसे हमारे प्रेडिक्शन लाइन पर आकर रुक जाएंगे। ठीक है, रुकने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, इस तरह दिखने के बाद क्या होगा, अब हमारा जो सा पॉइंट है वो हमारी जो सी हमने सिग्मोइड फंक्शन बनाया था, ठीक है, उस पर आ चुके हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं हम इसके आगे देखेंगे कि बिल्कुल सामने कि क्या प्रेडिक्शन आ रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जीरो से लेकर वन तक है ना, मतलब कि आप इसे ऐसे मान लीजिए जीरो से लेकर 100% तक हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि किसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, मैंने इसे रन किया और आप देख पाओगे कि जो सा हमारा 20 ईयर्स वाला था उसकी प्रेडिक्शन कितनी आ रही है, 0.71%, मतलब कि उसके प्रोडक्ट खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.71%। ठीक है, और जो सा 30 ईयर्स वाला है उसकी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 23.3%, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी 20 इयर्स वाले पर्सन से ज्यादा है। ठीक है, और जैसे ही पर्सन की एज 40 हो जाती है आप देख सकते हो जो सी उसकी प्रेडिक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। आप देख सकते हो यहां पर लिखा आ गया ना 80.4%। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम 70% पे आए हमें पता लगा जो सा ये वाले पर्सन है 70% वाले लोग हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 99.4%। ठीक है, मतलब कि अब हमें जो से ये वाले पर्सन है, ये जो दो पर्सन है मतलब कि 40 से 70 तक के जो भी पर्सन है, हम बस उनको टारगेट करेंगे, ना कि जो से ये कम एज वाले पर्सन है, बिकॉज हमें पता है वो वाला है तो हमें हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम तो हमें उनका उन्हें प्रोडक्ट दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम एड्स चला रहे हैं। ठीक है, यदि आप जैसे कि आपने ऑनलाइन कई बार एड्स चलाई होंगी या फिर नहीं भी चलाई तो आपने देखी होंगी। ठीक है, तो हम ना वहां पर टारगेट करते होते हैं कि किन किन लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। हमें पता है हमारी जो सी ऑडियंस है वो 40 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक की है, तो हम क्यों हमारे पैसे वेस्ट करेंगे 20 से 30 ईयर्स के लोगों को वो वाली एड्स दिखाकर, है ना भी।
इसलिए हम यूज कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पर हम जो सा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है या फिर रिग्रेशन की जो भी हमारे पास है उनको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। इसका नाम रिग्रेशन अभी भी इसलिए है बिकॉज आप सोचेंगे ये तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पर हम रिग्रेशन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी भी हमारी जो सी प्रोबेबिलिटी है ये पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है। इसे हमें एक और स्टेप करना पड़ता है जिससे हमें जो सी प्रेडिक्शन है वो जीरो या फिर वन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। बिकॉज हमें ये तो पता है कि जो सा हमारी प्रिडिक्शन है या तो हाँ होगी या तो ना होगी, ठीक है। जैसे कि हमारा हम हेड या टोस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये बीच बिचाले वाला कोई काम होता ही नहीं, ठीक है। जो सा ये बीच बिचाले वाला जो सा काम है ये तो होता ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ना लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ना एक लिमिट सेट कर दी 0.5 की, मैंने क्या कहा, यदि कोई भी पॉइंट इस लिमिट के नीचे होगा तो उसकी पी की वैल्यू मतलब कि उसकी प्रेडिक्शन कितनी होगी, जीरो, मतलब कि वो वाला पर्सन हमारी जो सा प्रोडक्ट है उसे खरीदेगा नहीं, ठीक है। और जिस भी पॉइंट की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी उसकी वैल्यू मैंने क्या यहाँ पर लिख दिया कि उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है दोस्तों। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिमिट 0.5 ही क्यों रखी, ठीक है, मुझे कैसे पता कि 0.5 ही रखनी चाहिए। दोस्तों एक्चुअली ना बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है, उसके हिसाब से यदि आप 0.5 रखते हो, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा रखते हो, मतलब कि 0.6 0.7 रखते हो, ठीक है, तब आपकी जो सी प्रेडिक्शन है वो ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है। यदि आप इससे कम रखोगे ना तो आपकी प्रेडिक्शन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती, ठीक है। और मोस्टली जितने भी डाटा साइंटिस्ट होते हैं ना वो सारे कम से कम 0.5 और ज्यादा से ज्यादा मतलब कि आगे आगे बढ़ाकर वो चेक करते रहते हैं, ठीक है, कि जितने उनकी प्रेडिक्शन किस में ज्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप ना टेस्ट करके इसे देख सकते हो, जैसे हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तब आप इसे टेस्ट करके देख सकते, ठीक है दोस्तों। ये बात होगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके बारे में हर चीज आपको पता लग गई होगी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स और F1 स्कोर के बारे में काफी चीजें बताऊंगा, ठीक है, वो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ही बात करेंगे, बिकॉज यदि मैं इस वीडियो में उसे कवर करने लग गया तो हमें एक घंटा भी लग सकता है, बिकॉज मैं उसे जाता हूँ कि उसे अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दूं, बिकॉज मुझे ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी उसके रिलेटेड, तो मैं ना एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, आपको इसके बारे में पता लग गया तो लाइक करना ना भूलें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर किया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ यदि हो सके तो शेयर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस नहीं, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।